साइकिलिंग स्टार्ट हो रही। एजुकेटेड बंदा व्लॉग में क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? वेलकम बैक टू जेबीएच लाइफ। तो मिलिए हमारे पार्टनर हमजा से। तो कारी साहब, हमजा को याद किया आपने कि नहीं? अगर नहीं किया तो एक दफा फिर देख ले हमजा को। लव यू कारी साहब। तो आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच, आई किस यू सो मच। जल्दी आपको मिलने आएगा हमदा, ठीक है? तो कार साहब, खैर हम जो है आज का जो व्लॉग है, ना किसी को रोस्ट करना चाह रहे हम, ना किसी को आज हम व्लॉग है जो बहुत स्पेशल है हम लोगों के लिए। आपको स्पेशल जगह दिखाने जा रहे हैं हम लोग, हिडन सरप्राइज है किसी का, ठीक है? तो बहुत जल्द वो रिवील करेंगे। वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता लग जाएगा हम क्या चीज दिखाने वाले हैं, ठीक है? वीडियो का कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना, बहुत एंटरटेनिंग होने वाली वीडियो। दिखा सकते हैं हम लोग, कहीं पे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो के मिड में भी आ सकता है सरप्राइज, शुरू में भी आ सकता है और एंड पे भी आ सकता है सरप्राइज। और आपने कमेंट करके बताना है कि क्या चीज है, ठीक है? तो गैस करें, चलें हम आपको सरप्राइज देखते हैं टाइम। और बहुत शुक्रिया आपका जिन लोगों ने पिछली वीडियो में हमें इतना ज्यादा प्यार दिया कि अभी तक उसके व्यूज तो रुक नहीं रहे, ऐसे जा रहे हैं ऊपर, ऐसे जा रहे हैं, जा ही जा रहे हैं बस। और लाइक ऐसे जा रहे हैं, लाइक ऐसे जा रहे हैं, ठीक है? और व्यूज ऐसे जा रहे हैं। अगर इसी तरह प्यार देंगे और हमारी मेहनत जो है उसको आप मोटिवेट करेंगे तो हमें ये करेंगे कि हम और मेहनत करें और आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आए। और लोगों पे आप लोगों ने हमें बताना है अब हम किस पे रोस्ट करें, क्योंकि हमने आज की वीडियो में आपको बता दूं आज की वीडियो रोस्टिंग नहीं है। पर मैं एक चीज और बताऊं कि रोस्ट बहुत बड़ा आने वाला है एक बंदे के ऊपर, उसकी ऐसी ऐसी मैं चीजें आपको दिखा दूंगा, सारी वीडियो स्क्रिप्टेड जो भी चीजें हैं, जिस तरह की भी उसने प्लानिंग खेली है यूट्यूब पे आके, बड़े तरीके से उसने पब्लिक को इमोशनल करके व्यूज लिए ना, जिस तरह सिंपथी यूज जैसे की है उसने, जितना मर्जी बड़ा प्लान बनाया हो लेकिन जो हम लोगों ने प्लान बना लिया उसको रोस्ट करने का वो छोड़ दो, बहुत एंड लेवल। जिस तरह के क्लिप मेरे पास पहुंच चुके हैं ना, आप कमेंट करके बताएं कि वो कौन बंदा है और उस कौन रिवील होने वाला है, बहुत बड़ा हैवी गैस करो, ठीक है? बहुत हैवी वो रिवील होने वाला है। फिर आपको कही हर ये बंदा ऐसा था, ये बंदा ऐसा है, हम तो इसको मैं तो तेरे को राम समझता था, तू तो देव मानस निकला रे, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानस निकला, ठीक है? तो ये कुछ होने वाला है पर इस वीडियो में नहीं होगा, मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है ये सिर्फ एक सरप्राइज के, और पसीना आप देख रहे होंगे चेहरे पे, ये ऊपर लाइट आ रही है, पंखा खराब हो गया, ठीक है? अभी चलते चलते अब जो हमें पहली इनकम आएगी उसी से हम पंखा लगाएंगे ये वाला, क्योंकि हम पंखा नहीं लगवाएंगे, हम कूलर लगवाएंगे। कूलर भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 16,000 रुपए का एसी भी आएगा, विंडो एसी वो लगवा लेंगे, ये वाला एसी लगवा लेंगे ताकि कम से कम पसीना ना आए हमें, ये वाला एसी लगवाएंगे हम, कौन सा? विंडो एसी, विंडो एसी, ये विंडो देख ले। तो खैर बस अभी थोड़ी देर बाद हम जा रहे हैं, हमने सेठ साहब को मिलना है और एक दो बंदे हो रहे हैं उनको लेना है, फिर हम निकलते हैं आगे जाते हैं, आपको जहाँ जाना है हमने वहाँ जाके फिर आगे बात करते हैं कि वो क्या गिफ्ट है, तब तक क्या सरप्राइज, आप हमारे साथ बने रहे। तो भाईजान शाह जी आ गए हैं बड़ी मुश्किलों से, जवाद भाई डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि शाह जी के घर वाले मान नहीं रहे। हमजा भाई मसला बन गया, बहुत बड़ा ऐसा मसला बन गया, शाह घर दिया चौथी शाह, यार गालियां ना बको हमारे ब्लॉग में, गालियां ना बका करो, टू टू नहीं डाल सकते हम, फैमिली ब्लॉग बनाते हैं जिसमें शाह जी भी होते हैं, शाह जी के लिए बड़ा मसला पैदा हो गया यार, हमने ना असल में ना शाह जी लगे खुद एक मसला थे पर मसला एक और पैदा हो, मसला ठीक हो गया। तो जी हमदा भाई रेडी हैं? हाँ बस निकलो फटाफट, सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ऐसे नहीं दिखा सकते, बड़ा हैवी सरप्राइज है। चलो बता देंगे ना फिर, चलो फिर निकले, चलो जी निकला जाए जी। लोई मोटरसाइकिलिंग स्टार्ट हो रही, मोटरसाइकिल यार अंदर कर दो। शाह जी क्या कहना है? पापा से माफी मांग लो, क्यों झूठ बोला तुमने आज? कह दो पापा आई लव यू दिल से सॉरी, बोलो पापा आई लव यू दिल से सॉरी, दिल से सॉरी कर लिया अंकल जी, इसको माफ कर दें। तो गाइस लोकेशन पे हम पहुंच गए, कर दो सरप्राइज दिखा दो हमें यार, टाइम देख लो बस भाई, सरप्राइज दिखा दो यार, मैं सुबह कहां पे जाना है, भूख लग रही है, तुम जा भी रहे भूख में, तो शाह जी की हालत तो देखो कैसे देखो।
शाह जी बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? यार बस थोड़ा सा वेट कर लो, सब कुछ मिलेगा, हो सकता है तुम्हें खाना भी मिल जाए। सरप्राइज बताओ ना यार, जो कैसे करो यार, क्या क्या सरप्राइज हो सकता है तुम बताओ, क्या हो सकता है? गाड़ी, मोटरसाइकिल, रक्षा। यार तुम्हारी जब बात हो ही नहीं थी फिर क्यों नाम ले रहे हो? नहीं यार, मेरे अंदाजे से तो बस इतने न्यू फोन ले लिया मेरे ख्याल से, तो ये क्योंकि वीडियो के लाइक नहीं है फिर भी मैं ले आता हूँ, मजबूरी है मेरी, उसकी वजह यह क्योंकि एजुकेटेड बंदा इसलिए व्लॉग में आएगा। इसकी रीजन मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में जॉब का फुकदान है, जॉब है नहीं लोगों के पास, तो वेला तो कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा, तो इसलिए एजुकेटेड बंदे आएंगे। ठीक है, ठीक है, जो वेले हैं वो तो कहीं ना कहीं फंसे भी होंगे, कोई पेंचर वाली दुकान पे कहीं ना कहीं, जो एजुकेटेड बंदा है वो पढ़ाई की वजह से उसको जॉब मिलने भी होगी, तो वो कहीं ना कहीं वेला फेर रहा होगा। शाह साहब, शाह साहब ने भी काम खोला है, वो काम ऐसा है जो होती है ना यार, मजलूम लड़कियाँ उनको पकड़ा, उन्होंने उनको पकड़ के इतिहास करके एक अच्छे से घर में रखा हुआ है। बाकी थोड़ी देर वेट करो, सरप्राइज आपको यार मिलेगा, वेट करो, वेट करोगे तो सरप्राइज अच्छा होगा, वेट नहीं करोगे तो भाई फिर सरप्राइज। लड़के को है भाई साहब साथ दी बात का, बस तुम उसको ले यहां, तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन लड़का सेटिस्फाई होगा। गाइस इनको सरप्राइज है, फिलहाल ये सरप्राइज नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये सरप्राइज का गिफ्ट है। ओ ठीक है, ये ट्रीट है। तो भाईजान ये जो दावत है ना हमें, ये शेर साहब की तरफ से, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। शेर साहब की तरफ से है, मियाँ जी का वेट है, ये दो बच्चे हैं शेर साहब के माशाल्लाह। ठीक है, क्या नाम है बच्चों आपका और आपका क्या नाम है? नान। नान जियो माया जी, मियाँ जी हां जी हसन भाई, सुकून है? किसने कहा था इतनी? किसने कहा इतनी रात को? किसने कहा था फिर आपको? बस शौक है इसको फिरने का, इतनी रात को फिर रहा था, सही चित्रोल हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब नहीं फिरेगा। उधर इसकी शक्ल देखने लगे। वीडियो को हम यही खत्म कर रहे हैं, जो सरप्राइज है आपने बताना मैसेज में वो क्या था, तो अब ये है कि सरप्राइज हम जल्दी रिवील कर देंगे, पर एक मैसेज हम देना चाहेंगे शाह जी के भाई को, जो खुद तो वो कुछ करते नहीं पर लोगों की वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं कि आवाज़दार वीडियो बना, भाई नहीं है, भाई नहीं है, मैकेनिक है, इनका मैकेनिक है। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि खुद वो कुछ नहीं करते, लोगों की वीडियो देख के कहते रहते हैं यार ये कर रहा है, ये कर रहा है, और मैं कन्फर्म करता हूँ उसे चेन भी नहीं सही ठीक होती होगी। बड़ी कह रहा है बड़ी आवाज़दार वीडियो बनाई है, खुद पूरा झूठू है, मैंने देखा है इसका मैकेनिक ऐसा है, इसका साइलेंसर किसी और को दे दिया इसकी इजाजत के बगैर, अब ये खपड़ा के जी मुझे 2000 रुपया दे, वो करना है ये करना है मैंने वो करना है, इसने खुद कहा कैसे काम वो करता है वीडियो में कह दो। मैं यार कुछ कहना चाह रहा था लेकिन फिर मैं कह नहीं रहा, आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।